आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मध्य प्रदेश उमरिया जिले के नव नियुक्त भारतीय जनता युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अमित सिंह नियुक्ति के बाद प्रथम नगर आगमन नौरोजाबाद व बीर सिंहपुर पाली पहुंचे, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे के मार्गदर्शन में प्रथम नगर आगमन पर भाजपा युवा मोर्चा मंडल पाली नौरोजाबाद के कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जिलाध्यक्ष सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रैली की शुरुआत की, जहां नगर के युवाओं द्वारा बाइक रैली साईं मंदिर से माता बिरासनी के दरबार पहुंची। जिलाध्यक्ष ने मां बिरासनी देवी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त कर प्रकाश चौक में मंच के माध्यम से आमजन को संबोधित करते हुए नवनियुक्त युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अमित सिंह ने कहा कि युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संगठन को मजबूत करने का संकल्प के साथ कार्य करूंगा। हमारा हर एक कार्यकर्ता, चाहे वह जिले की कार्यकारिणी में हो, नगर कार्यकारिणी में हो, वह जिलाध्यक्ष के बराबर है। हम सब कंधे से कंधा मिलाकर संगठन को मजबूत करने का काम करूंगा। साथ ही बताया कि यह कार्यक्रम नहीं प्रवास है, लेकिन मेरे सभी युवा मोर्चा के साथियों ने मिलकर इस कार्यक्रम को स्वागत का रूप दिया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। संगठन ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं उस जिम्मेदारी को सभा के सहयोग से पूरा करूंगा और एक मजबूत टीम का गठन कर युवा मोर्चा को मजबूती दूंगा। युवा मोर्चा संगठन की रीढ़ की हड्डी है और संगठन को मजबूत करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता पंडित प्रकाश पालीवाल, सरजू अग्रवाल, बहादुर सिंह रामधनी प्रधान जिला कोषाध्यक्ष, ब्रजेश उपाध्याय, श्रीधर राव, कल्लू बर्मन, प्रदीप सोनकर, लल्ली यादव, ब्रजेश तिवारी, विष्णु विश्वकर्मा, सत्य विश्वकर्मा, सुमित त्रिवेदी, प्रवीण तिवारी सहित सैकड़ों भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद रहे। उमरिया से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। शीर्ष नेतृत्व ने मुझे बहुत बड़ा जिले का दायित्व सौंपा। मैं परम सम्मानी प्रदेश अध्यक्ष जी कृष्ण शर्मा जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष परम सम्मानी वैभव कुमार जी और अपने कर्मठ यशस्वी जुझारू और 24 घंटे संगठन के लिए अपना तन मन धन सब लगाने वाले जिला अध्यक्ष माननीय दिलीप पांडे जी को धन्यवाद देता हूँ। यह मेरा जिलाध्यक्ष दायित्व मिलने के बाद प्रथम पाली नगर आगमन है। ये कोई स्वागत सत्कार का मेरा नहीं था, मैं मेरा ये प्रवास था, उसको यहाँ के कार्यकर्ताओं ने स्वागत सत्कार का रूप दिया। मैं भी उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी प्राथमिकता होगी कि मैं जल्दी सशक्त टीम का निर्माण करूँ, जिससे भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूती मिल सके। जल्द मैं अपनी कार्यकारिणी घोषित करूँगा। मेरी कार्यकारिणी का हर एक कार्यकर्ता, एक पदाधिकारी जिलाध्यक्ष के रूप